एकदम फाड़ के चिड़के एकदम आएगा रूम तो एकदम आएगा 100% रख दिया मोती मोदी डुलुमा तो जीतेगा तो क्या लगता है आपको आप लोग के लिए कुछ करेगा एकदम करेगा वो ना करेगा तो क्या माहौल है क्या चीज में वोट दीजिएगा क्या लगता है वो विकास कर पाएंगे जीतेगा एकदम एकदम 100% विकास का वो जा रहा है इस बार फुल में जाएगा मोदी सरकार का मोदी सरकार मोदी सरकार को क्या वोट दीजिएगा इस बार जयराम को उसका आंधी कौन नहीं रोक सकता चाचा का ब्रेकिंग न्यूज जो कि समर्थन है डुलुमा को जयराम यहाँ के लिए लेकिन जयराम माथे को वहाँ पे समर्थन कर रहा है झारखंड में मोदी से ज्यादा पॉपुलर जयराम माथे जयराम नाम नहीं है जानेंगे टाइगर सेंट्रल में अगर मोदी का नाम लेकर के सब वोट ले सकता है तो हम जयराम माथे का नाम लेकर क्यों नहीं ले सकते सब जयराम जयराम कर रहे हैं से क्या कर रहे हैं जयराम माथे को लोग क्यों वोट देंगे जयराम माथे झारखंड को जगाया हुआ है हाँ तो अभी हम धनबाद संसदीय क्षेत्र जो कि निरसा सिंदरी विधानसभा में है और ये हवाई पट्टी है और यहाँ का लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है इस बार जो चुनावी संग्राम छिड़ चुका है और होटल में बैठे हुए एक चाचा जी हैं जो काफी उम्रदराज है और उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार की इस बार क्या माहौल रहेगा यहाँ का हवाई पट्टी का जो सिंदरी विधानसभा के अंदर आपके एरिया का क्या माहौल है किधर संभावना है वोट ज्यादा हम लोग का संभावना है लोकलिटी में और यहाँ टोटल महतो बाहुल क्षेत्र है और महतो को वोट जाएगा इसमें दो राय नहीं है किसको महतो किसको हाँ डुलू महतो को डुलू महतो को हाँ डुलू महतो को लोग क्यों वोट दे रहे क्यों पसंद कर रहे हैं वो हमारे लोकल क्षेत्र के लोकल माइनॉरिटी के आ रहे हैं आपको लगता है कि विकास करेंगे आपके क्षेत्र में हाँ विकास करेंगे विकास करेंगे ऐसा लगता है हाँ और यहाँ जाने का प्रयास करते हैं यहाँ काफी उम्रदराज है यहाँ पे और यहाँ लोग हैं किस ओर वोट जाएगा इस बार कहाँ पे दोनों पक्ष में जाएगा दोनों आपका इस किधर आपका किधर जाएगा दादा ढोलू माता का ही है ढोलू माता हाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं क्या है किस किधर जाएगा वोट इस बार जयराम माता को पार्टी वोट जाएगा जयराम माता को लोग क्यों वोट देंगे जयराम माता झारखंड को जगाया हुआ है इसलिए जयराम माता को पार्टी वोट जाएगा क्या लगता है जयराम माता तो यहाँ से खड़ा नहीं है जयराम उसका कैंडिडेट खड़ा है उसको जाएगा वोट हाँ उसको जाएगा उसका कैंडिडेट खड़ा है जिस प्रकार मोदी को देख कर सब वोट दे रहे हैं उस पर जयराम माता को देखे वोट देंगे जहाँ भी देख रहे हैं जयराम जयराम सब कर रहा है जयराम माता को वोट देंगे हाँ तो और यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा माहौल है कुछ जयराम महतो तो कुछ डुल्लू महतो यहाँ पे अधिकतर डुल्लू महतो का समर्थन में यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोग से जो कि देख सकते हैं आप तो क्षेत्र में विकास हुआ है सरकारी लाभ आपको मिलता है जैसे प्रधान राशन हो गया गैस हो गया शौचालय हो गया प्रधानमंत्री आवास हो गया विभिन्न प्रकार का सरकारी लाभ लाभ नहीं मिलता है खाली राशन तो मिलता है खाली राशन तो आप संतुष्ट है कि नहीं सरकारी लाभ मिला नहीं तो संतुष्ट कहाँ से रहेंगे तो आपको क्या लगता है इस बार कहाँ जाना चाहिए वोट गुप्त मतदान है इसीलिए बोलना गुप्त मतदान है लेकिन अपना समस्या को बता सकते हैं कैसा समस्या तो आदमी का नहीं है समस्या तो समस्या शेष होगा वोट से ही शेष होता है विकास इसी से होता है वोट से हमारे देश का विकास हो चाहे राज्य का इसको भी सोच के आप लाते हैं लेकिन काम तो कोई करने खोजता काम को करने में डर लग रहा है काम करने से डरने से क्या डर ये जो जगह तो वो चढ़ाई करेगा वो जितने तो चढ़ाई करने से बात ही नहीं हिचकिचाहट का क्यों लगता है संविधान है आजादी देता है बोलने का कुछ लोग है यहाँ पे और यहाँ युवा लड़का लोग है कहाँ वोट जाएगा यहाँ पे जाने का प्रयास करते क्या माहौल है इस बार का माहौल तो जरा मातो का ही है जरा मातो यहाँ से तो जरा मातो खड़ा नहीं है उसका पार्टी का है ना इकलाग अंसारी उसी का है उसी का युवा हम लोग गरीब लोग सबका काम कर रहा साथ साथ में समस्या को देख रहे हैं बच्चों को बच्चों बना रहे हैं उसी को वोट देंगे हम लोग ना इस बार क्या लगता है कि अगर जरा मातो जीतेगा तो आप लोग का ध्यान देंगे विकास की ओर ध्यान देगा विषय ध्यान दे रहे हैं अभी जीते नहीं फिर भी ध्यान दे रहे फिर भी काम कर रहे हैं जितने के बाद हम लोग को वोट ज्यादा ध्यान देगा काम करेंगे तो वोट उन्हीं पर जाएगा ना और यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं युवाओं का जहाँ तक जहाँ रुझान है अधिकतर किस ओर देख सकते हैं यहाँ पे आपका वोट किधर इस बार जाएगा इस बार जरा मातो जी पे जाएगा जरा मातो
सर जयराम जयराम कर रहे हैं, इकलांग अंसारी कर रहा है। इकलांग तो जयराम नाम नहीं है, टाइगर है। जयराम नाम नहीं है, जाने का टाइगर। सेंट्रल में अगर मोदी का नाम लेकर के सब वोट ले सकता है तो हम जयराम महतो का नाम लेकर क्यों नहीं ले सकते? गांव का लड़का है, जहाँ का रहे का बेटा है, पूरा इंडिया मोदी का नाम ले रहा है तो हम जयराम का नाम क्यों नहीं लेंगे? इसीलिए तो नाम ले रहे जानकारी जयराम बहुत सारा लेडीज ऐसा है नहीं सब। जयराम तो मोदी से ज्यादा पॉपुलर है झारखंड में, मोदी से ज्यादा पॉपुलर जयराम महतो, इसमें दो मत नहीं है। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जयराम का समर्थक है यहाँ। जयराम तो गिरिडीह से तो एकदम साफ निकल रहा है जयराम, उसको तो गिरिडीह। देखिए यहाँ पे चाचा का ब्रेकिंग न्यूज, जो कि समर्थक है ढुल्लू महतो का, लेकिन जयराम यहाँ के लिए, लेकिन जयराम महतो को वहाँ पे समर्थन कर रहा है, तो समझ सकते हैं कैसा क्रेज है यहाँ पे। देखिए तो है, देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव वीडियो है, देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कर दीजिए और बताइए। लेकिन मोदी के बाद तो मोदी का, मोदी से भी ज्यादा क्रेज है जयराम महतो का। बूढ़े तो जानबे करते हैं, बच्चे बच्चे से आप पूछिए, जो आठ दस के, सॉरी जो आठ लोग जाने के सब जानता है, सब जानते जानने के तो सब जानता है, जो पैदा हुआ वो भी जानता है। और इस बार जयराम को उसका आंधी कौन ले रोक सकता है? इस बार देख सकते हैं चाचा का अजब का क्रेज है जयराम महतो का, जो की यहाँ से चार हैं ढूंढे महतो को, लेकिन यहाँ से जयराम जयराम देख सकते हैं ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज। क्या माहौल है यहाँ का, क्या माहौल है इस तरह? वोट की किस ओर जाएगा इस बार? इस बार फुल में जाएगा मोदी सरकार का। मोदी सरकार, हाँ मोदी सरकार को क्या वोट दीजिएगा? नहीं नहीं विकास, विकास हुआ है यहाँ? हाँ पूरा विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? जैसे जैसे हो गया, हम लोग का पानी का व्यवस्था दिया है, लाइन में दिया है, और तालाब उलाब यहाँ से कौन खड़ा हुआ है मुझे कमल फूल से पता है। हाँ ये मतलब ढुल्लू टाइगर, ढुल्लू टाइगर हाँ, यहाँ धनबाद से, धनबाद से हाँ उन्हें को वोट देना है। हाँ उन्हीं को देना है। और आपको लगता है ग्रुप जीतने के बाद विकास होगा? हाँ वो तो विकास हो भी करेगा, हाँ विकास होगा। हाँ तो चलिए आज यहाँ जाने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से, और यहाँ पे कुछ लोग हैं। इस बार क्या माहौल है यहाँ का, किधर जाएगा वोट? इस बार तो जयराम महतो पे जाएगा, जेबीके एसएस। जयराम महतो तो यहाँ से खड़ा नहीं है, यहाँ से नहीं है, फिर भी हम लोग उन्हीं को देंगे, मतलब दूसरा गिरिडीह जयराम महतो का नाम से वोट देंगे। जी जी, और एकला कंसारी खड़ा है यहाँ पे, जान रहे हैं? हाँ 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 जी जी जी, उन्हीं को। आपको क्या लगता है कि वो विकास कर पाएंगे? एकदम एकदम 100% विकास का वो जा रहा है, बिना कुछ किए हुए ही इतना विकास हो रहा है, तो और क्या चाहिए हम लोगों को। इस बार पक्का जयराम महतो की बात है, 2024 में JBKSS आएगा तो आएगा। जयराम महतो जी, जो धन्यवाद सर। जी जी जी, चलिए जो और यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कौन क्लास में? 12 में। वोट देते हैं? वोट तो इस साल नहीं देंगे, इस साल देंगे। इस साल वोट दीजिएगा? क्या माहौल है यहाँ का, क्या चीज में वोट दीजिएगा? JBKSS जो जयराम महतो का है ना, के है जयराम महतो का, जयराम महतो की कौन सी है? जयराम महतो यहाँ से थोड़ी खड़ा है, धनबाद गिरिडीह से खड़ा है, ये धनबाद संसदीय क्षेत्र है। हम न्यू दे रहे ना, जिसको मिलेगा उसको देंगे। अच्छा, जयराम महतो का नाम से देंगे? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कुछ लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं? नहीं, काम करते हैं। क्या चीज में काम करते? कपड़ा दुकान में। वोट इस बार किसको दीजिएगा, क्या माहौल है इधर? मोदी सरकार को। मोदी सरकार, ढुल्लू महतो, ढुल्लू महतो, ढुल्लू महतो को वोट दीजिएगा। मोदी सरकार विकास किया है? किया है। सरकारी लाभ मिलता है, चावल गैस आवास सब मिलता है? सब मिलता है, सब मिलता है एकदम। तो मोदी सरकार, हाँ ढुल्लू महतो, दोनों को, दोनों को। ढुल्लू महतो जीतेगा तो क्या लगता है आपको, आप लोग के लिए कुछ करेगा? एकदम करेगा वो, हाँ करेगा एकदम। ढुल्लू महतो सबसे बेस्ट है, ढुल्लू महतो। क्यों बेस्ट है ढुल्लू महतो? वो काम करता है, गरीब का मसीहा है वो, गरीब का मसीहा है ढुल्लू महतो। हाँ मोदी उसका हाथ पे सर रख दिया, मोदी मोदी। तो क्या लगता है इस बार? इस बार ढुल्लू महतो जीतेगा, एकदम जीतेगा, एकदम कन्फर्म है, एकदम फाड़ के चिड़के एकदम आएगा ढुल्लू महतो, एकदम आएगा। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है इधर का, किस ओर वोट जाएगा इधर आपका? माहौल अभी अच्छा है। किसका वोट जाएगा इधर? जयराम महतो। जयराम महतो तो यहाँ से खड़ा नहीं है,
किसको वोट जाएगा आपका? उधर देखिए किसको जाएगा वोट? जाएगा ढुल्लू माता को जाएगा। कभी जयराम बोल रहे हैं, कभी ढुल्लू बोल रहे हैं, उतना मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? नहीं। वोट किसको दीजिएगा इस बार? मतलब संशय है, मतलब संशय है किसको जाएगा नहीं जाएगा इस बार? मालूम नहीं उतना। नहीं मैंने कि हाथ छाप में जाएगा, कमल छाप में जाएगा, कि जयराम महतो को जाएगा, और भी निर्दलीय से ढेर खड़ा है, उन लोग को जाएगा बारे बोलता।